जसे जसे क्रेडाई बीएनएम मालमत्ता प्रदर्शनाचे दिवस सरत आहेत तस तसा प्रदर्शन पाहायला येणाऱ्या नागरिकांचा ओढा वाढत आहे. ज्या ग्राहकांना आकर्षित घर हवी आहेत असे ग्राहक खारघर, उलवे, पनवेल या ठिकाणांना प्राधान्य देत आहेत. जे मध्यमवर्गीय ग्राहक परवडणारी घरं प्रेफर करत आहेत त्यांना कर्जत, खालापूर ही ठिकाणं अफोर्डेबल आहेत. त्यामुळे सगळ्या स्तरातील ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र ठरण्याचा प्रयत्न क्रेडाई बीएनएमच्या माध्यमातून केला जात आहे. नोटबंदीमुळे मागील वर्षी या मालमत्ता प्रदर्शनाला हवा तेवढा प्रतिसाद मिळाला नव्हता, पण यावर्षी चित्र वेगळं असून बांधकाम व्यावसायिक आणि त्यांच्याबरोबर ग्राहक देखील संतुष्ट आहेत. एक्झिबिशन जब स्टार्ट होता है तभी कितने बेचते हैं, क्या करते हैं, उसका सवाल नहीं आता है. ये जो अखी नवी मुंबई का प्रमोशन है, ये जो एग्जीबिशन करने के पीछे का क्या रहता है, नवी मुंबई का प्रमोशन करने का है. इसमें सारे 200-300 बिल्डर है, उनका हर एक का प्रमोशन होता है और इमीडिएटली बिजनेस का नहीं मालूम पड़ता, इसका बिजनेस का अगले 2 या 3 महीने में मालूम पड़ता है कि इसके अंदर बिजनेस क्या मिला. ये तो नवी मुंबई प्रमोशन है. और कल जैसे कि छुट्टी थी, बोला लॉन्ग वीकेंड था, तो कुछ मेंबर लोग का बोलना था कि अभी ये 3 दिन की छुट्टी है, आदमी लोग माथेरान, महाबलेश्वर घूमने को चले जाएंगे या गोवा चले जाएंगे. लेकिन जिसको से हमारा मत ये था कि जिसको सही में अगर नवी मुंबई प्रॉपर्टी लेने में अगर इंटरेस्ट है तो वो गोवा कैंसिल करके नवी मुंबई घूमने को डेफिनेटली आ गया. 3 दिन यहाँ पर एग्जीबिशन में गुजारेंगे और अपना मनपसंद चॉइस का घर लेके जाएंगे. कल काफ़ी अच्छा फुटफॉल था, उसके अंदर में अक्षर ग्रुप है, उन्होंने 2 फ्लैट बेचे कल. प्रजापति है, उन्होंने जो फ्लैट बेचे उन्होंने कल व्हाट्सअप, हमारे जो इंटरनल व्हाट्सअप ग्रुप है उसके अंदर में भी डाला. उसके बाद निर्वाणा ग्रुप है, उन्होंने 6 फ्लैट बेचे हैं. दोषी ग्रुप है, उन्होंने कल 2 फ्लैट बेचे और उनके यहाँ पर 7 साइट विजिट थी. इन्होंने 591 लीड्स जनरेट की है. अधिराज ने जो उनकी जो एग्रेसिव स्कीम निकाली थी 15 दिन पहले से आईपीओ की, वहाँ पर कल उन्होंने 12 फ्लैट के टोकन लिए हुए हैं. सत्यम ग्रुप है, इन्होंने 2 फ्लैट लिए हुए हैं. तो हमारे जो इंटरनल व्हाट्सअप है उसके अंदर में जितने भी लोग हैं उन्होंने पुटअप किया है कि हमारे इतने लीड्स जनरेट हुए हैं या हमारे इतने साइट्स विजिट हुए हैं या हमारे इतने कन्वर्जन हुए हैं. सरप्राइजिंग पार्ट ये है कि ये फर्स्ट डे एग्जीबिशन का, बीइंग अ लॉन्ग वीकेंड, पीपल हैव कम टू साइट. आज और कल देखेंगे तो चांसेस है कि कन्वर्जन बाय मंडे इट विल बी वेरी हाई. प्लस हम लोग ने इस टाइम जो सोशल डिजिटल मीडिया के अंदर में जो पुटअप किया है उसके हिसाब से इट इज़ 4,66,000 फेसबुक के ऊपर में हिट हुए हैं. और एम इंडिकेटर, 99 एकर, ये जब जगह पे 11,000 रजिस्ट्रेशन जनरेट हुए हैं. सो आज की तारीख में कोई अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी किसको नहीं देता है. यहाँ पर 11,000 रजिस्ट्रेशन जनरेट हुए हैं. सो इन लोग आएंगे 2 दिन में, वर्ड ऑफ माउथ से जो जनरेट होगा. ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जीबिशन हम लोग एक थोड़ा सोशल भी बैलेंस कर रहे हैं, जैसे कि आई एग्जीबिशन, अपना आई टेस्टिंग के लिए हम लोग ने AAIHI के साथ टाई अप किया हुआ है. अपोलो के साथ हम लोग ने हेल्थ कैम्प एक रखा हुआ है और कच्छ के साथ हम लोग ने ब्लड बैंक रखा हुआ है. तो अराउंड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम लास्ट 3 ईयर के एवरेज के हिसाब से 200 to 250 ब्लड बॉटल्स टू बी डोनेटेड. ऑल्सो बिग डिग्निटरीज, जैसे कि कल वर्मा मैडम थी, सिडको जॉइंट MD मैडम, शी हैड कम. टुमारो सिडको जॉइंट MD सर गगरानी साहब इज़ कमिंग एंड म्यूनसिपल कमिश्नर. वी आर इन्वाइटिंग ऑल दिस पीपल. तो यहाँ पर एक इनफॉर्मल 1-to-1 डायलॉग होता है, क्योंकि डे टू डे के अंदर में दे ऑल्सो डोंट हैव एंड प्रैक्टिकल इश्यूज रहते हैं. तो यहाँ पर इन लोग जाएंगे स्टॉल में, 1-to-1 दे टॉक. वी हैव एड्रेस अ स्मॉल डिस्कशन वेरी, इन लोग बोलेंगे कि हमको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं. And we are very happy that the current MD and joint MD, they are very positive, very practical people. And kal Verma madam ne kam se kam 2 dozen logo ko bola hai ki Wednesday I am there in Naina office, 4 o'clock to 6:30 you can come down, aapka jo bhi grievance hai humko likh do. This sort of thing we didn't imagine earlier. So this exhibition we are not only looking for sale, बट वी आर लुकिंग दैट ये जनरेट कैसा हुआ है सोसाइटी का, हम लोग थोड़ा कुछ कॉज कैसा करें, गवर्नमेंट को कैसा हम लोग एक इंटरेक्शन डायलॉग रखें. एंड ऑलरेडी 19th एग्जीबिशन का, 18th हो गया लेकिन 19th का हम लोग ने डेट्स ले लिए है यहाँ का, कि वी शुड, मतलब पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस बिकॉज ऑफ इट्स ब्रांड, बिकॉज ऑफ इट्स ऑथेंटिसिटी. तो 19th एग्जीबिशन का भी हम लोग ने भी डेट्स ले लिया है एंड पीपल हैव गॉन फॉरवर्ड फॉर द सेम. जनरली सैटरडे संडे बींग अ वीकेंड इट हैज़ टू कम, there is no second thought. आज in spite of newspaper being off, आज 26 January के बाद जो next day छुट्टी रहता है, फिर भी आज हर stall के ऊपर में morning time के हिसाब से काफ़ी भीड़ है.
वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टू टेक ऑन मंडे एंड आर जो सीनियर है कोर टीम विल टेक अ कॉल कि अगर ये एग्जीबिशन इतना ही सक्सेसफुल रहा तो वी माइट हैव टू एक्सटेंड इट फॉर वन मोर डे ऑल्सो वी विल टेक अ कॉल बाय मंडे मॉर्निंग. दरम्यान क्रेडाय बीएनएमचे विद्यमान अध्यक्ष हरेश छेड़ा यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. फीडबैक कल का तो अच्छा ही था जैसा रिपोर्ट हो चुका है. आज भी फीडबैक बहुत ही अच्छा है और भी पिकअप दोपहर के बाद होने की आशा है सबको. पर सुबह के सेशन के हिसाब से फीडबैक बहुत ही अच्छा है और प्रॉपर्टी में न्यू बॉम्बे में स्पेशली प्रॉपर्टी में बहुत पब्लिक को इंटरेस्ट है वो दिखाता है. और मैंने अलग अलग स्टॉल वालों से आज भी बात की, उनका कहना एक था कि जो पब्लिक है जो नई ब्रीड आ रही है जिस जो न्यू बॉम्बे को जानना चाहते हैं न्यू बॉम्बे में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो एक नवा नए आखा नया क्रॉप आ रहा है जो न्यू बॉम्बे में आके बसना चाहता है. दैट इज़ अ मेन इम्पॉर्टेंट चेंज इन दिस एग्जीबिशन. 100% सेटिस्फाई होके जा रहे हैं बिकॉज ये अपना जो ये जो हॉल है और जो डिस्प्ले है इट इज़ जस्ट अनइमेजिनेबल. उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि न्यू बॉम्बे का एग्जीबिशन इतना अच्छा होता है और इतना ऑर्गेनाइज होता है. उनको हमेशा ये लगता था कि बॉम्बे के मुकाबले न्यू बॉम्बे का एग्जीबिशन को थोड़ा डिस्काउंट कर रहे थे, पर ऐसा आके देखने के बाद उनको लगता है कि इट इज़ बेटर देन बॉम्बे MCHI ऑल्सो. ऑन एन एवरेज सबके 4 से 5 फ्लैट का कल जो बिके हैं ऑन एन एवरेज, किसका ज़्यादा भी है किसका कम भी है, ऑन एन एवरेज 5 फ्लैट और समझो 70 बिल्डर्स हैं तो ये ऑन एन एवरेज इतने 350-400 फ्लैट कल बिके हैं. या वर्षी हजारो विजिटर्स प्रदर्शनाला उपस्थित राहतील आणि आपल्या स्वप्नातलं घर घेऊन येथून संतुष्ट होऊन जातील असा विश्वास बांधकाम व्यावसायिकांनी नवी मुंबई आवाज समोर व्यक्त केला आहे. 18वा एक्झिबिशन जो हमारा था बहुत अच्छा था और 59th हमारा इंडिपेंडेंट डे था और उस दिन बहुत अच्छी पब्लिक आई और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमको और बॉम्बे की न्यू बॉम्बे की पब्लिक और रायगढ़ जिले से भी बहुत पब्लिक आई थी और अच्छा हमको प्रोत्साहन भी मिला है. पब्लिक भी आई है और पब्लिक में भी जागृति आई है और हमारे एसोसिएशन में भी इतनी जागृति आई कि ऐसा एग्जीबिशन हमको साल में 2 टाइम रखना चाहिए और पब्लिक को उससे मालूम भी पड़ता है तो हमको बहुत रिस्पॉन्स मिला है. सर जी बहुत मज़ा आ रहा है उनको और खुद आनंद हो रहा है कि ऐसा एग्जीबिशन है और नवी मुंबई में जो डेवलपिंग हो रहा है जिसके बहुत लोग को मालूम भी नहीं है उसको खुद मालूम पड़ रहा है और अच्छा अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है. ज़्यादा आ रहे हैं. नहीं अभी हम लोग अच्छी सी स्कीम दे रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट दे रहे हैं और सीड को भी हमको बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं. रेरा का फायदा होएगा, अभी धीरे धीरे फायदा होगा, बहुत अच्छा फायदा है और होएगा फायदा सर. ये हमारा 18th BNM एग्जीबिशन है. लास्ट 17 सालों से हम लोग एग्जीबिशन कर रहे हैं. इस बार लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि अभी तक जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता था कि बिल्डर हमको सप्लाई सही देंगे कि नहीं देंगे वो इस बार बिल्कुल क्लियर है कि रेरा आने से सारे जो भी प्रोजेक्ट हैं इस बार सब रेरा रजिस्टर्ड ही है तो लोगों को बिल्कुल सेफ्टी के साथ यहाँ पे प्रोडक्ट देखने मिलेंगे. दूसरा कैसा है कि कल जो रश था वो अभी तक का सबसे अच्छा रश हमको देखने को मिला है क्योंकि लोगों को लास्ट 2 साल से काफ़ी वेट कर रहे हैं कि रेट में कुछ डाउन आएगा या चेंजेज होगा, वो कुछ भी नहीं देखने को मिला. उल्टा एयरपोर्ट का जो काम जिस स्पीड से तेज़ी से देखने मिल रहा है, इवन कस्टमर आगे बात कर रहे हैं कि एयरपोर्ट का काम चालू हो गया है तो रेट इंक्रीज होगा और नवी मुंबई में पोटेंशियल के हिसाब से काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला. इवन कल जितने भी कस्टमर थे वो सीरियस बायर थे, काफ़ी कुछ अच्छे, जैसे मेरे स्टॉल पे भी कल शाम को जो रिपोर्ट ली 600 कस्टमर ने बैठ के पूरी तरह से डिटेल लिया और फॉर्म भर के. एक्चुअली मेरे ज़्यादातर प्रोजेक्ट जैसे उलवे में करंजड़े कमोटे सब रियल बायर हैं और काफ़ी लास्ट 3-4 महीने में मोर देन 150 फ्लैट सेल हुए हैं सारे एरिया में, तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है न्यू मुंबई मार्केट में. ये BNM ने जो एसोसिएशन ने जो बहुत अच्छा ये एग्जीबिशन रखा है उसके अंदर हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और हमें इतना अच्छा प्रोत्साहन मिला है इस एग्जीबिशन की वजह से और इतना फुटफॉल मिला है. आज हमारे पास में इतनी लीड्स आ गई है कस्टमरों की कि हम लोग उनको फॉलोअप करके हम लोग काफ़ी सारा माल इमीडिएट बेच सकते हैं उन लोगों को. और कस्टमर जो है यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग के हिसाब से काफ़ी लोग आ रहे हैं. हमारा प्रोजेक्ट भी अफोर्डेबल हाउसिंग है, मेघना सिटी करके है रसायनी के अंदर, और लोगों का इतना रुझान है उसके ऊपर कि लोग चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा हमारे को सस्ता घर मिल जावे और हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं कि वैसा हम सस्ता घर उनको देवें, तो यही हमारी इच्छा है. सैटरडे संडे कल इतना बढ़िया रस था, पूरा दिन भर हमारे हर मेंबर के पास में कस्टमर ने बैठ के समझ के लिया सब लोगों ने,
और अवेयर को लगता है कि सैटरडे संडे बहुत रश रहने वाला है, इनबिलीवेबल पब्लिक आ रही है, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा है, इतना किसी ने सोचा नहीं था, फ्रॉम कमिटी टू द पार्टिसिपेंट सब लोगों ने ये सोचा नहीं था कि इतना अच्छा ग्रेट रिस्पॉन्स मिलेगा। हम वी आर डाउन वन डे, वी हैव फिनिश्ड फ्राइडे एंड राइट नाउ वी आर ऑन सैटरडे। फ्राइडे का जो रिस्पॉन्स रहा है बहुत फिनोमिनल रहा है। इनफैक्ट हमने कुछ अरेंजमेंट्स बढ़ा दिए हैं यहाँ पर सिटिंग के, कुछ हमें ब्रोशर्स की व्यवस्था ज़्यादा करनी पड़ रही है विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द इंडस्ट्री, फॉर अक्षर। हम यहाँ पर एज अ अक्षर प्रोजेक्ट शोकेस कर रहे हैं, दो प्रोजेक्ट हम द्रोणागिरी में शोकेस कर रहे हैं जिस पे ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। हम 1 BHK एक प्रोजेक्ट द्रोणागिरी में फोकस कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट हमारा ऐरोली में है और एक सीवुड्स में है। सो दिस आर द 3 लोकेलिटीज़ इन दिस ईयर वी आर शोकेसिंग। होपफुली द वे वी सी दी टेम्पो, हमें ऐसे लग रहा है कि हमें और सारे और प्रोजेक्ट्स प्रोक्योर करने चाहिए, जिस हिसाब से डिमांड है हमें सेल की बहुत अच्छी उम्मीद है। रेट्स मैं कहूँगा सबसे सस्ते नहीं हैं या सबसे महंगे नहीं हैं, हर चीज़ का एक दाम होता है, वैसे ही रियल एस्टेट का भी एक दाम है। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जहाँ पर लैंड प्राइस होती है और कंस्ट्रक्शन प्राइस होती है और हमारे प्रॉफिट मार्जिन होते हैं उसमें सब में एक थिन मार्जिन रख के हम ये पास ऑन करें कस्टमर को, जहाँ से हमारी सेल्स वेलोसिटी बढ़ सके। तो हमारी यही उम्मीद रही है कि हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि हम नए डेवलपमेंट्स में आएँ, पुराना सेल करें और नए डेवलपमेंट्स में आएँ और नई टेक्नोलॉजी के साथ आएँ। सो दिस इज़ आर मेजर फोकस। सो आई वुड नॉट से दैट वी आर कमिंग अप विद द मोस्ट चीपेस्ट थिंग, बट येस वी आर ट्राइंग आर बेस्ट टू मैच द डिमांड ऑफ द कस्टमर। सेल हुए हैं सच कहें तो वी आर नॉट वेरी एग्रेसिव इन टेकिंग स्पॉट बुकिंग, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर हमारे साइट पर जाएं तो उनका नेगोशिएशन स्किल और क्रैश हो जाएगा, क्योंकि हमें पक्का पता है कि जब हमारे प्रोजेक्ट्स में वो विज़िट करेंगे, वो एमेनिटीज़ देखेंगे, उनको हमारे तरफ कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो बेसिकली वी आर फोकसिंग मोर टुवर्ड्स द साइट विजिट, मेकिंग देम मोर अवेयर अबाउट द लोकेलिटी, अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अबाउट मोर अबाउट अक्षर ऑल्सो। तो स्पॉट बुकिंग्स नहीं ले रहे, बट वी आर सीइंग दैट एटलीस्ट वी शुड हैव अ क्लोजर ऑफ 18-20 यूनिट्स आने वाले एक महीने के अंदर। देखिए कल 26 जनवरी तक हॉलीडे था, कल भी बहुत अच्छा मॉब था और जनरली रिस्पांस ऐसा है, ये अभी लोगों का जो धारणा है 1 BHK मैक्सिमम 50 लाख, 2 BHK 75-65 लाख और 3 BHK 80-90 लाख का ये जो रेंज है, ये रेंज में जितने भी जो बिल्डर के पास माल पड़ा है या बन रहे है उसके लिए ट्रिमेंडस डिमांड है। अभी 1 BHK और 1.5 BHK के लिए बहुत अच्छा है और इतने क्राउड, अभी ये जो क्राउड है वो कोई घूमने के लिए नहीं आते, आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है। एक्चुअली ये बायर्स है और एक्चुअली बायर्स के लिए और जो इन्वेस्टर्स के लिए वो बात अलग है, लेकिन अभी ये मार्केट जो है हमारा बायर्स का मार्केट चल रहा है और सो फार माई कंपनी इज कंसर्न जो मेरे पास 1 BHK 1.5 BHK और मैक्सिमम 2 BHK बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कम से कम कल 12 सवेरे 10 बजे से रात को 9 बजे तक और अभी 10 बजे से अभी राउंड अबाउट 4-5 बजे तक कम से कम 2000 लोगों ने हमको विजिट किया है, उसमें मैक्सिमम 90% 80% 1 BHK 1.5 BHK 2 BHK। अभी मेरा मेन प्रोजेक्ट चल रहा है पनवेल में, स्टेशन से 5 मिनट के रास्ते पे पनवेल, ओल्ड पनवेल के साइड में सड़कों का अलॉटेड प्लॉट है, 15 एकड़ प्लॉट है, सोसाइटी रजिस्टर्ड प्लॉट है और उसके लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है। वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ मैं, वहाँ पर स्टेशन वहाँ से हार्डली 5 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस है, एसटी स्टैंड 2-4 मिनट के रास्ते पे है, एयरपोर्ट 2-3 किलोमीटर के रास्ते पे है और ये जो प्राइम लोकेशन होने की वजह से अभी हमारा जैसा कि बॉम्बे न्यू नवी बॉम्बे वासी अभी नेहरू पैक हो गया, बाद में मैंने कामोटा में कम से कम बहुत बिल्डिंग बनाया, कामोटा में सबसे पहले बिल्डिंग बनाने वाला त्रिमूर्ति बिल्डर्स एंड डेवलपर है, जो 97 में पहली CCOC मैंने लिया था, पानी भी मैंने कामोटा में लाया, लाइट भी मैंने कामोटा में लाया, आज कामोटा जी हालत देख रहे हो एकदम बढ़िया वेल टूट है। ऐसा ही अभी पनवेल का भी धीरे धीरे आगे जा रहा है, जहाँ पे हमारा ये माजवांडा का प्लॉट का हम लोग डेवलप कर रहे हैं, दैट विल द नंबर 1 प्रोजेक्ट इन ऑल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। यस हम आदमी देख के ही पता देते हैं इज रियल यूजर या खाली ऐसा ही घूमने के लिए आया है या इन्वेस्टर है, लेकिन हम लोग रियल यूजर्स के उसका एग्जांपल मैं भी दे सकता हूँ। कामोटा में मैंने जब स्टार्ट किया तभी कोई कामोटा में नहीं आ रहा था, 97 की बात है, तो मैंने 3 लाख में 1 BHK दिया था, लेकिन धीरे धीरे लोगों का उधर बढ़ गया और अभी ऐसा ही
हो रहा है, रियल यूजर्स के लिए हम लोग बहुत कुछ कम ज़्यादा करके हम लोग मकान जिन्होंने सपना लेके रखा है उनको हम देते हैं अच्छी तरह से। वेरी नाइस, आपकी नज़र से देख सकते हो कि क्लाइंट्स इज वेरी अमेजिंग रिस्पॉन्स, हमने जो सोचा था उसे कई अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला हुआ है। सो कोई इशू नहीं है, मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और पॉजिटिव रहना है। नहीं, वेरी नाइस, हमें लो हाउसिंग की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और हम भी यही पुशअप कर रहे हैं कि अभी लो हाउसिंग जो ज़्यादा चल रहा है वही बनाएं और उसी को ही बेचें। मोस्टली 1 BHK 50 लाख के रेंज में और 2 BHK 80-85 लाख के रेंज में। हमने स्कीम्स में यहाँ पे हमारे जो भी डिस्काउंटेड प्राइस है जो हम रेगुलर बेचते हैं उस पर हमने 250 से 300 रुपीज़ का डिस्काउंट रखा हुआ है एग्जीबिशन डेज में बुकिंग करने के लिए। काफ़ी अच्छा मार्केट है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, आप आइए और बुकिंग कीजिए, निश्चित लीजिए, सही दाम में अभी आपको माल मिल पाएगा और आने वाले समय में ये भाव बढ़ना है सब। हमारा अभी उल्वे में है, सीवुड्स में है और कामोटे में है। दरम्यान प्रदर्शनाच्या दुसऱ्या दिवशी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी भेट देऊन प्रदर्शनाची प्रशंसा केली। क्रेडाय BNM सारखे मालमत्ता प्रदर्शन नवी मुंबईतील हाउसिंग इंडस्ट्रीला आणि ग्राहकांना नक्कीच फलदायी ठरणार आहेत असा विश्वास देखील त्यांनी व्यक्त केला आहे। BNM ने या ठिकाणी जी काही ही प्रदर्शने आयोजित केलेली आहे त्याच्याबद्दल त्याचे अध्यक्ष, त्याचे सगळे ऑफिस बेअरर्स आणि विशेषतः त्याचे निमंत्रक या सगळ्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो। नवी मुंबई या ठिकाणचा विकास विशेषतः गृहनिर्माणाच्या क्षेत्रामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात होतो आहे, आपल्याला कल्पना आहे। कदाचित भारतामध्ये सगळ्यात जास्त हाउसिंग स्टॉक हा नवी मुंबई या क्षेत्रामध्ये आता निर्माण होतो आहे आणि याच्यामध्ये प्रामुख्यानं कारण आहे ते इथलं इन्फ्रास्ट्रक्चर ज्या वेगानं विकसित होतं आहे ते मला वाटत नाही देशाच्या कुठल्याही भागामध्ये इतकं दर्जेदार आणि एवढं वेगवान इन्फ्रास्ट्रक्चर कुठे विकसित होत असेल। तर या पायाभूत सुविधा आणि त्याच्याबरोबर इथले जे सगळे विकासक आहेत या सर्वांनी एकत्रित येऊन या ठिकाणी प्रदर्शन आयोजित केलेले आहे। मला सांगण्यात आले की 80 विकासक प्रामुख्याने जे नवी मुंबईतले आहेत हे या ठिकाणी सहभागी झालेले आहेत। अत्यंत चांगल्या आकर्षक आणि लोकांना परवडतील अशा योजना त्यांनी या ठिकाणी लोकांच्यासाठी सादर केलेल्या आहेत, मांडलेल्या आहेत आणि मला वाटतं की विशेषतः परवडणाऱ्या घरांच्या क्षेत्रामध्ये ज्याला आपण अफोर्डेबल हाऊसिंग म्हणतो जे आता दुर्दैवानं मुंबईमध्ये अशक्यप्राय बाब झालेली आहे मध्यमवर्ग आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गाच्या दृष्टिकोनातून, तर यासाठी नवी मुंबई हे आता सगळ्यात महत्त्वाचं अशा स्वरूपाचं डेस्टिनेशन म्हणून उदयाला येते आणि त्याचा फायदा सर्व लोकांनी म्हणजे इथले विकासक असतील, इथल्या सरकारी यंत्रणा असतील किंवा इथं पायाभूत सुविधा निर्माण करणाऱ्या सर्व बाकीचे क्षेत्र असतील या सर्वांनी याचा चांगला फायदा घेऊन एक दर्जेदार अशा पद्धतीच्या सुविधा लोकांना उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत। सी आत्तापर्यंत जे काही शहरीकरण देशामध्ये आपण पाहतो आहे हे शहरीकरणाची पद्धत अशी आहे की पहिल्यांदा शहर होतं आणि त्याच्यानंतर पायाभूत सुविधा येतात। नवी मुंबई हे कदाचित अपवादात्मक उदाहरण असं आहे की ज्याच्यामध्ये पहिल्यांदा पायाभूत सुविधा आल्यात आणि त्याच्यानंतर शहर होतं आहे आणि हीच परंपरा सिडको पुढे चालू ठेवत आहे। सिडकोच्या बरोबर अन्य एजन्सी देखील या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावरती आता पायाभूत सुविधा निर्माण करत आहेत। 2 महापालिका या ठिकाणी आहेत, त्याचबरोबर देशातले अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असे प्रकल्प या क्षेत्रामध्ये येत आहेत। जसं आपल्याला माहिती आहे की नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येत आहे, त्याच्या पाठोपाठ दक्षिण मुंबईला जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा असा MTHL प्रकल्प येतो आहे, त्याच्याबरोबर नेरूळ उरण हा रेल्वेमार्ग आता तयार होतो आहे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर तयार होत आहे, JNPTचं अजून एक फार मोठं या ठिकाणी क्षेत्र तयार होत आहे, तर अशा पद्धतीनं अनेक प्रकल्प जवळपास 1,00,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक पायाभूत क्षेत्रामध्ये या भागामध्ये होतो आहे। मला वाटतं देशामध्ये अन्य कोणत्याही भागामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरती पायाभूत क्षेत्रात गुंतवणूक होत नाही आहे। पनवेल CST मेट्रो प्रकल्प येतो आहे, अशी अनेक उदाहरणं आपल्याला सांगता येतील। तर हा हे जे काय पायाभूत सुविधा या ठिकाणी निर्माण होत आहेत याला याच्या विकासाचा पहिला भाग हा झाल्यानंतर दुसरा भाग म्हणजे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आपल्याला जमीन पाहिजे की ज्याच्यामध्ये शहर निर्माण होईल, ज्याच्यामध्ये घरं निर्माण होतील आणि सुदैवानं आपल्याकडं या प्रमाणाचं क्षेत्र नैना क्षेत्रामध्ये उपलब्ध आहे। जवळपास 400 स्क्वेअर किलोमीटरचा एरिया हा शासनाने आपल्याला या ठिकाणी आता उपलब्ध करून दिलेला आहे आणि सर्व इथल्या जमीन मालकांच्या आणि विकासकांच्या सहकार्यानं या ठिकाणी आम्ही नैना क्षेत्र आणि विशेषतः अफोर्डेबल हाऊसिंग या ठिकाणी आम्ही विकसित करतो। IT हब नाही म्हणता येणार, दॅट्स अ बेसिकली कॉर्पोरेट पार्क। तर जसं त्या ठिकाणी मुंबई विमानतळ आणि BKC हे जवळजवळ आहे त्याचप्रमाणे नवी मुंबई विमानतळ आणि आम्ही आता जो काही प्रकल्प आयोजित केलेला आहे खारघरला तो प्रकल्प कॉर्पोरेट सेक्टर कॉर्पोरेट पार्क, तर या ठिकाणी आणि हा कॉर्पोरेट पार्क हा देखील अत्यंत
आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कॉर्पोरेट पार्क असावा याच्यासाठी आम्ही जगातल्या सर्वात उत्कृष्ट अशा आर्किटेक्ट फर्मकडनं एजन्सी हे मागितलेलं आहे, डिझाईन मागवलेलं आहे आणि अत्यंत दर्जेदार प्रकल्प, कारण तो सेंटर पार्क आणि गोल्फकोर्सच्या शेजारी असेल, विमानतळाच्या जवळ असेल, हे सगळं विचारात घेऊन 120 हेक्टरचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी कॉर्पोरेट पार्क आम्हाला या ठिकाणी करायचं आहे की ज्याच्यामुळं जगातल्या सर्व नामांकित कंपन्यांची कार्यालयं, बँका असतील, फायनान्शियल सेंटर्स असतील किंवा अन्य कंपन्या असतील यांची कार्यालयं या ठिकाणी भविष्यात येतील. मला म्हणजे याच्याबद्दल काही शंका नाही, कारण एवढ्या चांगल्या पद्धतीनं जर आणि परवडणाऱ्या स्वरूपामध्ये आपण जर या ठिकाणी पायाभूत सुविधा आणि घरं उपलब्ध करून देत असू तर मला वाटतं की मुंबईमध्ये जे लोकांच्या आवाक्याच्या पलीकडचं गेलेलं आहे तर ते या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावरती येईल आणि त्याच्यामुळं लोकं संतुष्टच नाही तर केवळ आनंदी होतील असं मला स्वतःला वाटतं आणि त्याच्यामुळं BANM क्रेडाई या सर्व पदाधिकाऱ्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट मुसा अहिरवाडीसह योगेश पाटील यांचा रिपोर्ट.